IBN 7 Horsefly. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली एनसीआर में शनिवार रात से जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते सारी रात सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहीं। कोहरे के चलते सैकड़ों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर जीरो विजिबिलिटी के चलते 10 फ्लाइट्स लेट हैं, जबकि 6 कैंसिल कर दी गई हैं। कोहरे ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा का जनजीवन भी काफी प्रभावित किया है। जीरो विजिबिलिटी के चलते लोग सड़क किनारे अपने वाहन लगाने पर मजबूर हैं। हालांकि नोएडा पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रास्ता बताने की कोशिश की। मथुरा की जिला जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एक घायल कैदी राजेश टोंटा को अस्पताल ले जाते वक्त बदमाशों ने दोबारा उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। घायल बदमाश राजेश टोंटा को इलाज के लिए आगरा ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में दिल्ली आगरा हाईवे पर बदमाशों ने एम्बुलेंस को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और राजेश को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग में एक डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। इससे पहले मथुरा की जिला जेल में अपराधियों के दो गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में अक्षय सोलंकी नाम के एक कुख्यात बदमाश की मौत हो गई। फायरिंग पश्चिमी यूपी के शार्प शूटर ब्रजेश मावी की हत्या के आरोपी राजेश शर्मा उर्फ टोंटा और उसके साथी राजकुमार शर्मा को निशाना बनाकर की गई थी। जेल में खुलेआम गैंगवॉर से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद जेल में चलाए गए सर्च अभियान में पिस्टल और नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ है। जेल में फायरिंग के बाद मथुरा अस्पताल पहुंची टोंटा की पत्नी ने बताया कि उसने प्रशासन से राजेश टोंटा की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। मथुरा में पिछले 24 घंटे के दौरान जेल से लेकर सड़क तक खुलेआम हुई गैंगवॉर ने यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ट्राई सीरीज में अब से कुछ ही देर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। मेलबर्न में ये मुकाबला सुबह 8:50 पर शुरू होगा। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, जबकि टीम इंडिया दूसरे पायदान पर। भारत अपनी टीम को लेकर इस टूर्नामेंट में प्रयोग कर सकता है। एमसीजी में करीब 2 सप्ताह पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी इसी मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में वापसी करेंगे। धोनी को सबसे पहले सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी को लेकर कोई ठोस फैसला करना होगा। आज आर अश्विन और अक्षर पटेल का खेलना तय लग रहा है। वहीं रायडू और बिन्नी दोनों ही इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप टीम के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। जडेजा अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है, जबकि बाएं घुटने की चोट की वजह से ईशान शर्मा भी अंतिम 11 में नहीं होंगे। भारत आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, लेकिन पिछले 3 विदेशी दौरों में उसका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा। टीम इंडिया को 12 मैचों में केवल 3 में ही जीत मिली है, जो सभी इंग्लैंड के खिलाफ हैं। वहीं 3 दिनों में दूसरी बार मैदान पर उतरने जा रही ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए लगातार दूसरी जीत फाइनल मैच के लिए दावेदारी मजबूत करेगी। आईबीएन 7 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी दिल्ली में पार्टी का चेहरा होंगी। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि 19 जनवरी को होने वाले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किरण बेदी के नाम का ऐलान सीएम उम्मीदवार के तौर पर कर दिया जाएगा। यानी अब यह तय है कि फिल्म में दिल्ली में अब किरण बेदी बनाम केजरीवाल की जंग ही होने वाली है। किरण बेदी के पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी में खासा उत्साह दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली में पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। किरण बेदी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने हमला करते हुए आम आदमी पार्टी को झूठ की फैक्ट्री बताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। सतीश उपाध्याय ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। केजरीवाल को 20 जनवरी तक जवाब देना है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर बिजली कंपनियों से सांठगांठ का आरोप लगाया था, जिसके बाद सतीश उपाध्याय ने शिकायत करने के साथ साथ केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला भी दर्ज कराया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के हरिनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि अगर 10 करोड़ सदस्य बना लिए जाएं तो 25 साल तक बीजेपी की सरकार को कोई हटा नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने शनिवार रात को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से मुलाकात की। बिन्नी के इस मुलाकात से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
लक्ष्मीनगर के एमएलए रह चुके बिन्नी ने पिछले साल आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पार्टी में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। दिल्ली में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने हलफनामा दिखाकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के झूठ पर एक बुक निकालने की बात कही है। इस बुक का नाम होगा 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली का बुरा हाल, यू टर्न केजरीवाल। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले साल हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद ने हलफनामा देकर कहा था कि उन्हें लाल बत्ती, सुरक्षा और बंगला नहीं चाहिए, लेकिन फिर 8 पन्नों की चिट्ठी लेकर फ्लैट भी मांग लिया। वहीं आपने पलटवार करते हुए कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बताया। दिल्ली में शिवसेना उम्मीदवार शिवकुमार तिवारी अनोखे अंदाज में नामांकन करने पहुंचे। शिवकुमार तिवारी ऊंट पर बैठकर नामांकन के लिए पहुंचे। शिवकुमार ने नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल किया है। बिहार जेडीयू में मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि पार्टी ने मांझी के पक्ष में बोलने वाले मंत्रियों से इस्तीफा मांग लिया है। मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का पक्ष लेने वाले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री वृषण पटेल और ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा से पार्टी ने इस्तीफा मांग लिया है। इससे लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से जेडीयू में घमासान जारी रहा या तो पार्टी टूटेगी या फिर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के लालू यादव के साले साधु यादव के घर जाकर दही चूड़ा खाने का जेडीयू ने विरोध किया है। दरअसल शुक्रवार को जीतनराम मांझी साधु यादव के घर दही चूड़ा खाने गए थे। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने वाला चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। बीजेपी ने दो प्रत्याशी खड़े कर इस चुनाव में पेच फंसा दिया है और 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब विधान परिषद के लिए पार्टियां आपस में चुनाव लड़ेंगी। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 23 जनवरी को होना है। इस बीच आरएलडी ने बीएसपी को समर्थन देने की बात कही है तो वहीं बीजेपी को एसपी, कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। हमारे सहयोगी चैनल पीएनबीसी आवाज ने अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर एक्ट ग्रोथ समिट का आयोजन किया। इस समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा शामिल हुए। इनके अलावा इस आयोजन में बहुत सारे पॉलिसी मेकर, रेगुलेटर और इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़े नामों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वो राजस्व बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा के मद्देनजर एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे को बंद करने के विचार के साथ ही ओबामा के लिए स्पेशल ट्रेन भी तैयार की गई है। आगरा दिल्ली रूट के 3 स्टेशन तक लाइन क्लियर रखी जाएगी जिससे आपात स्थिति में ओबामा को दिल्ली लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मदद ली जा सके। स्पेशल ट्रेन कैंट स्टेशन पर खड़ी रहेगी। सूत्रों का कहना है कि स्पेशल ट्रेन में शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में लगने वाला शक्तिशाली WAP-7 इंजन लगेगा। 5 से 6 कोच होंगे जिसमें एक कोच लग्जरी होगा। 27 जनवरी को अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पत्नी मिशेल के साथ ताजमहल देखने जा रहे हैं। बराक ओबामा अपने एयरफोर्स 1 प्लेन से आगरा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और फिर वहां से कैडिलक गाड़ी से ताजमहल जाएंगे। पंजाब की बादल सरकार ने बाबा राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड की स्क्रीनिंग पर पाबंदी लगा दी है। सरकार का मानना है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने इजाजत दी कि फिल्म को यहां पर रिलीज किया जाए कुछ कट के साथ, लेकिन अब हंगामे के चलते प्रीमियर भी रोक दिया गया। ट्रिब्यूनल ने फिल्म के कुछ सीन्स को म्यूट करने की बात कही थी। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन के समर्थन में सेंसर बोर्ड के 9 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। लीला के समर्थन में एक चिट्ठी पर 9 सदस्यों ने दस्तखत किए और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को भीलवाड़ा में एक बार फिर राम मंदिर निर्माण और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी। उदयपुर में बीती रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता अपने एक नेता को गिरफ्तार किए जाने से नाराज थे। कांग्रेस नेता पर थाने में हंगामा करने का आरोप था। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 10 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक यहां स्वाइन फ्लू से 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 17 सरकारी अस्पतालों में इस रोग से निपटने के लिए दवाइयां मौजूद हैं। पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक तबला वादक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरदीप सिंह नाम के ये शख्स शुक्रवार रात 9 बजे से लापता थे।
रुड़की में एक रेलवे कर्मचारी को पेट्रोलिंग के दौरान लिफाफा मिला है, जिसमें 26 जनवरी को रुड़की, लक्सर और हरिद्वार स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। बदायूं में एक बार फिर एक वर्दी वाले पर आरोप लगा है। उझानी थाना के सिपाही गौरव पर एक लड़की को छत से धक्का देने का आरोप है। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुहाबा की तीन सगी बहनों ने गांव के 9 दबंगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक शिकायत करने वाली तीनों बहनों को एक बड़ी बहन से एक दबंग ने शादी की थी। उधम सिंह नगर के ट्रांसिट कैंप क्षेत्र से 16 दिसंबर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने 16 साल के आरोपी को पकड़ लिया है। नोएडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती से बंधक बनाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से आबकारी विभाग की टीम ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके घर से 70 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। ये शराब हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी। धौलपुर के कोतवाली थाना में दिन दहाड़े दो बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर मारपीट की। बदमाश 1 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषणों को लेकर फरार हो गए। श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र में गर्भवती युवती की जली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के गर्भवती होने का पता चला। लखनऊ एसटीएफ ने नोएडा की एक वेबसाइट कंपनी पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामला सेक्टर 63 स्थित वेबसाइट बनाने वाली कंपनी का है। पंचकुला में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 3 नाइजीरियन युवकों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने ड्रग्स की तस्करी के मुख्य सरगना को 21 जनवरी तक रिमांड पर भेजा है। वहीं 2 अन्य नाइजीरियन व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रीवा में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने खुफिया कैमरे में नगर निगम और बिजली विभाग के कर्मचारियों को रिश्वत लेते कैद किया। आरटीआई कार्यकर्ता ने लोकायुक्त को सीडी भेज दी है। चेन्नई में एयर इंडिया के पायलट पर कॉकपिट में इंजीनियर की पिटाई का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पायलट और इंजीनियर के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद पायलट ने इंजीनियर पर हमला कर दिया। घायल इंजीनियर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयर इंडिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इंजीनियर की पिटाई के विरोध में चेन्नई में एयर इंडिया के इंजीनियर विरोध कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़े फास्ट फूड रेस्तरां मैकडॉनल्ड्स को लेकर विवाद खड़े होने के बाद मैकडॉनल्ड्स ने रेस्तरां में यहां पर बताया है कि बच्चे को धक्का मारकर निकालने वाला कर्मचारी सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल मैकडॉनल्ड्स के पुणे स्थित एक फूड ज्वाइंट पर एक गरीब बच्चे को धक्के मारकर बाहर निकालने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक बच्चे से बोला गया कि इस फूड ज्वाइंट में इस तरह के बच्चों का आना मना है। कर्नाटक में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घूस देने के लिए एक महिला को किडनी बेचनी पड़ी। महिला से रेवेन्यू विभाग के एक अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी। हरियाणा के हिसार में झुंपा पुलिस चौकी इंचार्ज को विजिलेंस विभाग की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। चौकी इंचार्ज पर एक शराब दुकान के मालिक से रिश्वत मांगने का आरोप है। झारखंड के खूंटी में नक्सल बंद का खासा असर दिखा। नक्सलियों ने पुलिस मुठभेड़ में अपने 3 साथियों के मारे जाने के विरोध में बंद का ऐलान किया था। आज मुंबई दौड़ रही है। मुंबई मैराथन में देश विदेश के हजारों लोगों समेत बॉलीवुड हस्तियां और उद्योगपति भी शामिल हैं। आतंकवादी हमले के अलर्ट के मद्देनजर आरा की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मुंबई मैराथन के लिए सभी बड़े अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। मैराथन में रूट के आसपास पार्किंग पर पाबंदी है। जरूरत के अनुसार नेवी और कोस्ट गार्ड की मदद से हवाई और समुद्र में भी निगरानी का इंतजाम है। पहली बार सादे लिबास में मुंबई पुलिस के 300 जवान भी दौड़ में शामिल हैं। एसआरपीएफ की कुल 10 प्लाटून बुलाई गई हैं। इस दौड़ में कुल 40,400 लोग शामिल हो रहे हैं। पूर्व पर्यटन मंत्री बीना काक सलमान खान से मिलने के लिए झुंझुनू पहुंची। सलमान खान अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग के सिलसिले में झुंझुनू में हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते शिमला में हजारों लीटर पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के लगभग सभी उपनगरों में कई स्थानों पर पानी की पाइपों से लीकेज है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में घटते लिंग अनुपात को लेकर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। गुड़गांव के सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का ताला बर्ड फ्लू की दहशत के चलते अभी तक नहीं खुल पाया है। पिछले शनिवार के 47 पक्षियों के मौत के बाद से बर्ड सेंचुरी को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था।
जयपुर के पास श्रीपुरा गांव में विषाक्त पानी पीने से दो दर्जन बच्चे बीमार हो चुके हैं। बच्चों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से बीमार बच्चों को SMS अस्पताल भेजा गया है। जालौन में एक वैन और एक ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दो की मौत हो गई और आठ लोग बुरी तरह घायल हो गए। उत्तराखंड के कालसी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक्सपायरी डेट वाली दवाओं को नदी में फेंक दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक उन्हें विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में डिस्पोज किया जाना चाहिए। आगरा के वकीलों ने ओबामा के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया है। आगरा में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर वकील काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं। साध्वी प्राची के बाद अब साध्वी समदर्शी दीदी ने हम दो हमारे दो के फॉर्मूले को त्यागने की अपील की है। साध्वी ने कहा कि अब हम दो हमारे चार का फॉर्मूला अपनाना होगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने विशाखापट्टनम में IIM की नींव रखी। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। गोरखपुर के राप्ती नदी में अचानक लाखों मछलियां मरकर पानी में ऊपर तैरने लगी। स्थानीय लोगों के बीच तो इन मछलियों को उठाने के लिए होड़ लग गई, जबकि प्रशासन लोगों को इन मछलियों को खाने से मना कर रहा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब पुलिस सुरक्षा में गायों का जुलूस निकाला गया। रास्ते भर गायों के लिए दान मांगा गया। कश्मीर घाटी की झीलों में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां रूस, साइबेरिया और यूरोप से आई लाखों प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री इस समय ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और वो मुंबई में आजकल ब्रेक ले रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक शास्त्री थकान मिटाने के लिए टीम का साथ छोड़कर वापस भारत आ गए। वर्ल्ड कप में विराट कोहली को लेडी लक का साथ नहीं मिलेगा। BCCI के सूत्रों के अनुसार वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में BCCI के पिछले नियम ही लागू होंगे। इसके तहत खिलाड़ी अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को अपने साथ नहीं रख पाएंगे। पेशावर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी हुई है। 15 फरवरी को टीम का पहला मुकाबला एडिलेड में भारत के खिलाफ होगा। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम के सदस्यों ने शनिवार को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकवादी हमले में बचे बच्चों से मुलाकात की और उन बच्चों के परिवार वालों से भी मिले। 16 दिसंबर को हुए हमले में वो जो मारे गए थे उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस हमले में घायल हुए बच्चों और उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के कप्तान मिसबा उल हक ने कहा है कि बच्चों का साहस वर्ल्ड कप जीतने की टीम के प्रयास में प्रेरणा का काम करेगा। बच्चों से मिलने के बाद मिसबा ने कहा कि बच्चों ने हमें काफी हौसला दिया है और हमें वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सख्त हिदायत दी गई है कि वो इस टूर्नामेंट के दौरान भारत के खिलाफ होने वाले पहले मैच के अलावा अन्य मैचों के दौरान भी धर्म, राजनीति और भारत पाक रिश्तों पर किसी भी तरह की चर्चा से बचेंगे। क्रिकेटर इरफान पठान ने टीम इंडिया में वापसी का भरोसा जताया है। पठान ने IGN 7 से खास बातचीत में कहा कि उनके भीतर अभी भी 6-7 साल का क्रिकेट बाकी है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में हाशिम अमला ने 66 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे बारिश की वजह से रद्द हो गया। बारिश की वजह से यहां पे 43-43 ओवर के मैच रखे गए। इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी शुरू हुई लेकिन 28.5 ओवर का खेल ही हो सका। इसके बाद फिर आई बारिश से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारत की सानिया मिर्जा ने आपिया इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। सानिया का ये सीजन का पहला और करियर का 23वां खिताब है। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का पहला मुकाबला जीत लिया है। सौरभ ने स्कॉटलैंड के एलन नकलाइन को 3-0 से हरा दिया। इटली के ओलंपिक मेडल विजेता स्केट खिलाड़ी पर 16 महीने का बैन लग गया है। कैरोलिन कोस्टनर नाम की इस खिलाड़ी पर ओलंपिक में रेस वॉकिंग के चैंपियन एलेक्स स्वेजर के डोपिंग के अपराधों को छुपाने का आरोप है। 27 साल की कोस्टनर 2012 में वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, जबकि 2014 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। इटली की एंटी डोपिंग ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के बाद उन पर बैन लगाने का फैसला किया। ट्विटर पर सलमान खान के फैंस की तादाद 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। सलमान अब ट्विटर पर अमिताभ और शाहरुख की फैन फॉलोइंग को टक्कर दे रही हैं। बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान वापसी करने वाले हैं। शूटिंग की वजह से बीच में ही सलमान ने शो छोड़ दिया था। फिलहाल शो को फरहा खान होस्ट कर रही हैं।
कटरीना कैफ की तरफ से सफाई दी गई है कि रणवीर से सगाई की खबर कोरी अफवाह है। उनका कहना है कि वो लंदन अपनी बहन की डिलीवरी के लिए गई थी। शंकर निर्देशित साउथ के सुपरस्टार विक्रम की फिल्म आई ने पहले दिन शानदार कमाई की है। फिल्म ने दुनिया भर में तकरीबन 35 करोड़ का कलेक्शन किया है। विक्रम की यह फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई है। ए आर रहमान ने चेन्नई के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम को अपनी फिल्म आई की टिकटें मुफ्त मुहैया कराई हैं। हाल ही में डॉक्टरों की इसी टीम ने रहमान की मां का इलाज किया था। 25 जनवरी को कुणाल खेमूसंग सोहा अली खान साथ फेरे लेंगी। सैफ के घर शादी की तैयारियां जोर शोर पर हैं। बता दें कि कुणाल और सोहा लंबे समय से एक दूसरे को पसंद करते रहे हैं। अपनी फिल्म अलोन के प्रमोशन में जुटी बिपाशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बिपाशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिपाशा ने ऑक्सीजन मास्क लगाई हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। परिणीति चोपड़ा का कहना है कि वो जल्द ही बहन प्रियंका के साथ एक फिल्म साइन करना चाहती हैं। उनका कहना है कि करियर के शुरुआत से ही उन्हें प्रियंका के साथ काम करने की ख्वाहिश थी। स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान वरुण धवन को चोट लग गई। दरअसल परफॉर्म करते वक्त वरुण टैंक से फिसल कर नीचे गिर गए, लेकिन हल्की चोट के बावजूद वरुण ने शूटिंग नहीं रोकी।